फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और आज जो है वो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे एक फेशियल किट के बारे में, बिकॉज़ ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो इस आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी हाइड्रा जो फेशियल है वो बहुत कॉमन है और लोग इसको करवाने के लिए जो है वो सैलॉन्स विज़िट करते हैं। काफ़ी सारे जो है वो आपके जो है वो पैसे खर्च करते हैं इस चीज़ पे। सो ये जो है आपके लिए एक काफ़ी अच्छी जो है वो फेशियल किट है जिसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। सो और इसकी कॉस्ट जो है वो भी जो है वो 7000 रुपीज़ है और इसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो क्योंकि कोविड भी है और आप इसको अगर घर पे यूज़ कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और ये जो है प्रोडक्ट है IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की फेशियल किट और इसमें 9 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। सो आपने 9 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और ये बहुत ही ईजी हैं। और ये जो हाइड्रा फेशियल किट है इसको यूज़ करने के बाद आप जो है आपकी स्किन टोन अच्छी हो जाएगी, आपका स्किन का जो टेक्सचर है उसकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है उसको ये इम्प्रूव करेगी। और ये जो है डीपली जो है वो काम करेगी आपकी स्किन लेयर्स तक और उसको एक बहुत ही अच्छी जो है वो लुक प्रोवाइड करेगी। और आपके काफ़ी सारे जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी ये रिजॉल्व कर देगी। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड हैं सारे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपकी स्किन का जो ग्लो है उसको इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करेगी। अगर आपकी ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स हैं तो उनको भी ये जो है वो रिमूव करेगी। और इसके साथ साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपकी स्किन की के जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेंगे। और इसके साथ साथ आपके स्किन पे रिंकल्स हैं उनको कम करेंगे। आपकी अगर ओपन पोर्स हैं उसको श्रिंक कर देगा और हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको भी ये जो है वो कम करेगा। सो इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आपने इसको जाके देखना है। नताशा वकास ऑफिशियल पर उन्होंने इसका रिव्यू किया है। सो आपको जो है आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा एक अगर आप उनकी वो रिव्यू वाली वीडियो देख लें। सो आपने जो है उसको मस्त देख लेना है स्टेप्स जो हैं। और उसके बाद आपने जो प्रिकॉशंस हैं वो सारी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर सारी मेंशन है। सो फर्स्ट स्टेप में आपने करना है टोनर यूज़, ठीक है। इसमें 9 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने टोनर यूज़ करना है और अपने अप्लाई करना है टोनर ऑन द फेस एंड मसाज फॉर 2 मिनट्स। और देन आपने अपना फेस जो है वो क्लीन नहीं करना। और उसके बाद आपने क्लिंजर यूज़ करना है, उनका मिल्क क्लिंजर है, आपने उसको अप्लाई करना है ऑन फेस, मसाज करना है विदाउट यूजिंग वाटर अंटिल द क्लिंजर इज़ अब्सॉर्ब्ड इन टू द फेस, देन क्लीन योर फेस विद अ स्पॉन्ज, ठीक है। आपने इसमें भी वाटर से नहीं साफ़ करना बल्कि आपने स्पॉन्ज से रिमूव कर लेना है। उसके बाद स्टेप 3 में आपने जो है वो उनका स्क्रब यूज़ करना है और आपने जो है उसको 5 to 7 मिनट्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में करना है यूज़। देन आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है स्टेप नंबर 4 में आपने इनकी ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग मसाज क्रीम यूज़ करनी है। आपने मसाज क्रीम को अपने फेस पे 12 to 15 मिनट्स में के लिए अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मसाज करना है विद द हेल्प ऑफ डीटॉक्स टोनर और फिर आपने क्लीन कर लेना है अपने फेस को। और उसके बाद जो है ये है इंस्टेंट क्लियर जेल। और आपने क्या करना है उसके बाद स्टीम करना है अपने अफेक्टेड एरियाज़ को विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर और टॉवल। और उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना है इस जेल को ऑन द एरिया जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं और फिर आपने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने पुश करना है ब्लैक हेड्स को विद द हेल्प ऑफ टिश्यू और पिन। और ये स्टेप उनके लिए जिनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप 6 में एलोडर्मा हाइड्रेशन जेल यूज़ करनी है। उसमें आपने जो है अप्लाई कर लेना है उसको ऑन योर फेस, उसको छोड़ देना है फॉर 1 मिनट। देन आपने जेंटली मसाज करना है और इस विद
विद द हेल्प ऑफ जेड रोलर फॉर 2 मिनट्स. और जो इनका जेड रोलर है वो साथ में प्रोवाइड किया गया है. इसके बाद आपने अगेन इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने अपना फेस क्लीन कर लेना है. स्टेप 7 है, आपने उसमें डर्मा फ्रेश क्ले मास्क यूज़ करना है और आपने उसको अप्लाई कर लेना है. उसको 15 मिनट्स तक के लिए छोड़ देना है, अपने फेस पे लगे रहने देना है और फिर उसको वाइप ऑफ कर देना है जेंटली. और 8th स्टेप है, आपने अल्ट्रा ग्लो सीरम यूज़ करना है और आपने उसको विद द हेल्प ऑफ जेड रोलर जो है वो अपनी स्किन में अब्सॉर्ब होने देना है और फिर उसको ओवरनाइट जो है वो रहने देना है. अच्छा, इसके लिए जो है वो डे प्रोटेक्शन साथ में इन्होंने वो भी है कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग फेशियल इन डे टाइम यूज़ डे प्रोटेक्शन केयर बिफोर गोइंग टू आउटसाइड इन सनलाइट. सो 9th स्टेप है कि आपने इनके के साथ में जो डे केयर प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड की है वो आपने अप्लाई कर लेनी है अगर आप जो है वो सनलाइट का आपका एक्सपोजर हो. और इसके लिए जो कॉशंस हैं वो भी हैं, लाइक आपने ये मस्ट फॉलो करनी है. डोंट वॉश योर फेस विद एनी फेस वॉश और सोप अंटिल 3 आवर्स. डोंट यूज़ एनी अदर विटामिन सी प्रोडक्ट फॉर 3 डेज आफ्टर हैविंग फेशियल. मेक श्योर यू टू यूज़ अल्ट्रा ग्लो सिरम 2 डेज कॉन्टीन्यूसली आफ्टर हैविंग फेशियल. इफ़ यू हैव अ सुपर सेंसिटिव स्किन एंड एक्नी प्रोन स्किन मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, और आपने इसको पहले ट्राई कर लेना है अपने किसी भी यानी टेस्ट कर लें इसको पहले बिफोर अप्लाइंग इट टू ऑल योर फेस. सो इसको आप अगर टेस्ट पहले कर लें किसी थोड़े से पार्ट पर आप ये कर लें अप्लाई इन प्रोडक्ट्स को. और अगर आपकी स्किन जो है वो इसको सुपर सेंसिटिव नहीं है तो देन आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. इसको यूज़ करना है 2 टाइम्स इन अ मंथ. और ये अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो आपने किसी डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको यूज़ करने के लिए आपने जो सारे स्टेप्स में जो उन्होंने टाइम मेंशन किया है कि आपने कितनी देर के लिए उस प्रोडक्ट को लगाए रखना है तो आपने उस टाइम को मस्ट फॉलो करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए. और इसके साथ ही आपने जो है इसके रिव्यू के लिए आपने जो है वो मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको विज़िट कर लेना है. और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं सो आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगेगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.